सो हेलो गाइज, माय नेम इज विजय, बैक अगेन विद न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं व्यू के Y93 में जो है हेडफोन आइकन आप शो कैसे कर सकते हो। एंड गाइज, मैंने इसमें ऑलरेडी काफी वीडियो तो बना चुका हूँ ऑलरेडी की आप जो है हेडफोन ऑप्शन कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। बट गाइज बता दूं, मैं जब भी आप लोग बता दूं, जब भी आप लोग हेडफोन जैक जो है अंदर करते हो डिवाइस के, तो वहां पर कोई ऑप्शन नहीं आता, लेकिन हेडफोन जो है आपका वर्क करता है। बट जो आइकन नहीं आता, जो शो करके आता आइकन, जो कि आपका हेडफोन एंटर हो चुका है, नहीं आपको कोई आइकन नहीं शो होता। बट गाइज मैं बता दूं, ये जो शो कैसे करेंगे, इसके लिए ना ही कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत है, ना ही कोई सेटिंग है, आप इसे ओपन कर लो। ये जो है ओनली वन अपडेट के जरिए कंपनी के द्वारा ही आता है। वैसे मैं बता दूं, मैंने वीवो का V11 यूज कर रहा हूं, इसमें भी पहले कोई फंक्शन नहीं था। मैं भी काफी परेशान था कि जो है इसमें कब आएगा। बट फिलहाल मैंने जो है काफी बात वगैरह की थी, एंड अपडेट के जरिए जो है मैं भी, हो सकता है कि आप लोगों को भी अपडेट मिलता रहा हो धीरे धीरे मिलने के बाद, ये आइकन शो जो कि ऑप्शन है ये आ जाए आप लोगों में। ये कोई ऑप्शन नहीं आता है, डायरेक्टली जो है अपडेट के जरिए ही आ जाता है जब अपडेट होता है। हो सकता है कि पता नहीं किस वजह से ये लोग नहीं देते कंपनी वाले, लेकिन बहुत ही जल्दी आप लोगों को भी देखने को मिल जाएगा ये हेडफोन आइकन शो वाला प्रॉब्लम जो है काफी लोग फेस कर रहे हैं। एंड काफी कमेंट आते हैं, मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ लाइक अराउंड काफी जल्दी ही काफी लोग उस पर कमेंट कर देते हैं कि सर जो है मेरे डिवाइस में भी नहीं है, आप मेरे डिवाइस के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाओ कि हम कैसे लगाएं। सो गाइस बता दूं, मैं मेरे हाथ में कुछ नहीं होता कि मैं जो है आप लोगों को बता दूं, आप लोग ये सेटिंग कर लो, एन एप्लीकेशन डालो, शो करने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिकली हेडफोन का जो ऑप्शन होता है ये जो है कंपनी खुद डिसाइड करती है, एंड अपडेट के जरिए ही जो है आपके डिवाइस में ये ऑप्शन आइकन शो होते हैं। और मेरे भी डिवाइस में सेम ऐसा ही कुछ था, जब आता नहीं था, लेकिन अपडेट करने के बाद आइकन शो होने लगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप कहीं मत जाओ, कहीं पर कोई एप्लीकेशन मत सर्च करो, या फिर घंटों घंटों वीडियो किसी की मत देखो। ये सब किसी एप्लीकेशन से नहीं होता, ये सब आपको सिंपली सिस्टम अपडेट के जरिए ही मिलेगा। या अगर चाहो तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप उनसे बात भी कर सकते हो, मैंने काफ़ी चीज़ें बताई है कि आप जो है उनकी सर्विस में कैसे बात करना, आपको आप अपने फ़ोन के लिए जो भी प्रॉब्लम है सोल्यूशन उनसे ले सकते हो। तो एक बार उनसे जाके कॉल भी कर सकते हो और अपनी जो परेशानी उसे बता सकते हो, और हो सकता है मे भी कोई अपडेट्स वगैरह दे के जो है उसे फिक्स किया जाए। अगर काफ़ी लोगों की कंप्लेन होगी तो जाहिर सी बात है ये जो है प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। एंड गाइस मैं बता दूं, ये घुमा फिरा के बात नहीं करता, मैं सिंपली बता देता हूँ, ये जो है चीज़ें जो होती है ये अपडेट के जरिए ही सोल्व होती है। तो वेट करो, अगर आप लोगों के पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं इसके ऊपर इसको लेके, तो डेफिनेटली कंपनी कोई ना कोई अपडेट देकर जो है हेडफोन आइकन शो करेगी। बट ऐसा नहीं कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो तो जो है आपको हेडफोन आइकन शो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता गाइज, ये बेसिकली अपडेट के जरिए होता है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि ये जो हेडफोन ऑप्शन होता है ये जो शो तभी होता है जब कोई अपडेट्स वगैरह होता है। एंड हाँ, कमेंट करके बताना किन किन मॉडल नंबरों में आप लोगों के कौन कौन से डिवाइस मॉडल नंबर यूज कर रहे हो उसमें हेडफोन आइकन शो होता है। सो होपफुली गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।